मैं उपस्थित हूं रक्सौल के नगर परिषद वार्ड नंबर 20 में। दिसंबर को ट्रेन दुर्घटना में पैर और हाथ कट जाता, तो चलिए हम उनके घर पे आ चुके हैं और उनसे बात करेंगे आखिर वो घटना कैसे हुआ और आखिर जब घटना हो गया तो उनके परिवार का पालन पोषण के लिए कहां से खर्च उठा रहे हो और कहां से चल रहा। हालांकि उनके एक बेटा और एक बेटी हैं और माता हैं उनकी और भाई भी हैं, तो चलिए हम जानते हैं। मेरे सामने विनू ठाकुर जी हैं। भैया, 2 दिसंबर 2021 में आपके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है जी। वो हादसा कैसे हो गया? वहाँ क्या हुआ कि हम पेट में दर्द हुआ, महसूस हो गया, पैखाना लगा तो चल गए 5 नंबर पर, 5 नंबर पैखाना करके आ रहे थे तो इसी टाइम घटना हुआ। जब हादसा हो गया तो आपको तो हॉस्पिटल लाइज किया गया होगा, हॉस्पिटल ले गया होगा, उस समय सिचुएशन में तो आप तो थे नहीं। उस टाइम हम नहीं थे, उसके बाद कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में बता सकते हैं कि अभी आपका परिवार का पालन पोषण के लिए मतलब कहाँ से खर्च आ रहा है? अभी जो है सो जो चांदा वंदा आया था उसी से चल रहा है। अभी वाइफ जो है सो काल परसों से जा रही है ड्यूटी करने के लिए। क्या रेलवे प्रशासन के द्वारा कोई मदद किया गया कि नहीं आपको? अभी तो हमको जानकारी नहीं है कि 50,000 रुपये आया था, अब कहाँ से आया था हमको मालूम नहीं था, भाई को मालूम था। तो चलिए इनके भाई हैं जो अमोद ठाकुर जी, उनसे बात करते हैं, आखिर इसके बारे में विशेष जानकारी उनको होगा। चलिए, के जो भाई हैं विनू ठाकुर जी, इनको 2 दिसंबर को ट्रेन से दुर्घटना हो जाती है, बहुत बड़ा हादसा होता है, पत्नी भी है, एक बच्चे हैं, एक बच्चा बच्ची हैं, उन लोगों का खर्चे कहाँ से उठाने, कह रहे हैं कि विशेष जानकारी आप ही को होगा इसके बारे में। जैसे इनको तो दुर्घटना जिस टाइम हुआ तो उसके बाद से तो इनको कुछ पता है नहीं, और पैसा का रहा बात तो जितना हो सका हम दोनों भाई ने मिल के किया, और इसमें काफ़ी खर्चा आ रहा था तो उस दौरान हम लोग ने डोनेशन शुरू किया और डोनेशन के माध्यम से इनका इलाज करवाया। और मेरे यार दोस्त जो जानने पहचानने वाले हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे पैसे आए, जितना चाहिए था उतना पैसा आया इनमें लगा और सही से इलाज हो पाया। लेकिन अभी तक क्या है कि जो पैसा आया था वो तो कब का ख़त्म हो चुका है। अब रहा बात की अभी फैमिली हम लोग का कैसे चल रहा है, तो मिलजुल के चल रहा है आपसी। उस दौरान आपकी जो वार्ड संख्या 20 है, वार्ड पार्षद द्वारा यानी प्रतिनिधि द्वारा क्या कुछ मदद किया गया कि नहीं? हमारे वार्ड पार्षद की तो उन्होंने भी अभी एक बार भी हमारे घर पे नहीं आया, हॉस्पिटल में भी नहीं आए और मिलने की भी कोशिश नहीं की है। जैसे हमने उन्हें बताया कि ऐसे हुआ, एक बार आके मिल लीजिए, मीडिया वगैरह आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि आपके आते हैं कि नहीं आते हैं, तो मैंने सीधा साफ मना किया, जब आएंगे तो ही तो बोलेंगे ना हम कि हाँ आए हैं कि नहीं आए हैं। दूसरा बात था कि किसी तरह का हेल्प हमारे एक सुरेश यादव जी थे जो कि आए और 10,000 रुपये का उन्होंने हमारा आर्थिक सहयोग किया, जिससे काफ़ी मदद मिली हमें। 10,000 रुपये ही हमारे लिए बहुत थी। हमें बताइए कि रेलवे प्रशासन के द्वारा कोई आपको आर्थिक सहयोग दिया? हाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था न्यूज़ के माध्यम से, इनको जैसे आर्थिक सहयोग, जैसे उसमें मेरे कुछ दोस्त भी हैं लोग, तो वो लोग आपसी सहयोग करके 23,000 रुपये फर्स्ट टाइम दिए थे। उसके बाद में क्लीन मास्टर जिसमें कंपनी से ये थ्रू थे, उसके थ्रू 50,000 रुपये आया था लगभग 1.5 महीना पहले। तो रेलवे के कॉपरेट है, ऐसा नहीं कहेंगे कि कॉपरेट नहीं है, अभी भी काम में इनका लगा हुआ है लोग और सहयोग है। और जहाँ तक रहा कि इन लोगों का, जैसे कि जनप्रतिनिधि विधायक साहब जो भी है, तो इन लोगों से मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि क्योंकि जब प्रमोद सिन्हा जी मतलब चुनाव में खड़े हुए थे तो एक उत्साहित था कि चलो अपने बीच के विधायक खड़े हो रहे हैं तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी। और कोई अधिकारी वगैरह मिलने आते हैं कि नहीं? अभी 3 महीना दिन हो गया रेलवे से। हाँ, आता था लो, अभी नहीं आते हैं लोग, फ़ोन पे ही बातचीत हो जाता है। हाँ, फ़ोन पे ही बातचीत। अभी कोई मुआवजा वावजा नहीं मिला? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, वही ESIC जो इनका है इंश्योरेंस क्लेम, उसी का प्रोसेस चल रहा है और मुजफ्फरपुर दौड़ रहा है आदमी कर रहा है। हम जो विनोद ठाकुर हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी मिलते हैं और बात करते हैं कि उन लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? शिवानी। शिवानी, अच्छा बताइए, आपके पिताजी का पैर कट गया है, बहुत दुख का बात है, लेकिन आप लोगों का पढ़ाई लिखाई कहाँ कैसा चल रहा है? हमारा कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चल रहा, पूरा बंद हो गया पढ़ाई लिखाई, जो क्योंकि हम लोग का स्थिति बहुत खराब है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है। पापा कहीं का सैलरी भी अभी उतना नहीं आता है, पहले जो था नहीं आता है, तो हम दोनों भाई बहन का पढ़ाई नहीं होता है अब। क्या नाम हुआ बाबू का? रौनक। अभी पढ़ाई नहीं करते जी? नहीं।
अच्छा, पिताजी का मतलब पैर हाथ कट गए इसीलिए? जी। तो पैसा वैसा होगा नहीं, पिताजी कमाते थे तब आप लोग पढ़ाई करते थे उस समय? जी। अभी सब बंद है? जी। तो आप लोगों ने देखा, तो हम कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसा करिए आप लोग, खास करके यहाँ के जो भी स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे भी कहना चाहेंगे, ताकि इन परिवार का मदद हो जाए। और एक चीज़ और बता दें, जब हम इनके घर पे आए तो वहाँ पर देखे कि एक बांस का स्लेप लगा हुआ है, यानी बांस का घेरा हुआ है रोड, और छोटा सा पतला रोड है, अभी लग रहा है कि नया भरा था। चलिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो मेरे साथ हैं अमोद जी। अच्छा बताइए अमोद जी, जो आपके घर के बगल में छोटी सी रास्ता है, पतली सी, और वो भी नया भारत लग रहा है, और एक बांस का वहाँ पे घेरा हुआ है, आखिर क्यों बांस को, बांस से घेरा गया है वहाँ पे? जैसे आप देख रहे हैं कि नया मिट्टी भरा हुआ है, और इसलिए लगाया गया है कि गाय भैंस वगैरह इस मोहल्ले में है तो वो आए और रास्ता को नुकसान ना करे, क्योंकि डेली दो दिन चार दिन पे मैं अपने भाई को डंकन ले जाना पड़ता है ड्रेसिंग कराने, तो रास्ता ख़राब हो जाएगा तो फिर हम ले नहीं जा पाएंगे। और पहले आज से लगभग दो या तीन महीने पहले एक न्यूज़ रिपोर्टर यहाँ पे न्यूज़ बनाए थे। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे ठेवना भर पानी था, हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि खुद हम लोग अपने निजी से भरवाएँ, अपने निजी पॉकेट से भरवाएँ हैं, क्योंकि कब भरवाएँ आप? लगभग एक महीना पहले। अच्छा, तीन महीना तब का भाई के, तब उस समय कहाँ कैसे आते थे घर पे? ये नहीं आते थे, मैंने डंकन से डिस्चार्ज होने के बावजूद भी इनको मैंने रेंट पे रखा हुआ है दो महीना, और जब हमारे पास पैसा शॉर्टेज होने लगा तो मैं सोचा कि आखिर मैं 6,000 में उधर दे रहा हूँ तो 6,000 मिला के कुछ भरवा लूँगा तो मेरे लिए ही हो जाएगा, अब कोई भरवाने वाला है नहीं, मैं कितना गुहार लगाऊँ। मैंने अपने वार्ड पार्षद को इस मामले में बताया है, स्थानीय विधायक को बताया है, महामंत्री जो बीजेपी में है जितेंद्र भी है उनको भी बोला है, मैंने अपने स्तर से पूरा कोशिश किया लेकिन किसी ने इसका कोई निदान नहीं निकाला। बस एक न्यूज चला, वो आके कवर किए, देखे वो लोग भी देखे, और उसमें हमारे भी कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। वार्ड पार्षद भी उसमें है, उस न्यूज में वो वीडियो क्लिप है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा दूंगा, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं देखा कि भैया को आने जाने में दिक्कत होगी, मैं कैसे लेके जाऊंगा, पैर तो है नहीं कि ये चल के जाएंगे, लेके ही जाना है, तो मैंने मिट्टी भरवाया अपने निजी को से बस, और अभी है घर में, लेके जाता हूँ, लेके आता हूँ,